नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Asus ROG Phone 3 वर्सेस Vivo Y53 S4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.73 इंच जबकि Y53 S4G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो ROG Phone 3 में 3.07 इंच जबकि Y53 S4G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो ROG Phone 3 में 0.39 इंच जबकि Y53 S4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ROG Phone 3 में 240 ग्राम जबकि Y53 S4G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो ROG Phone 3 में AMOLED जबकि Y53 S4G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही ROG Phone 3 में 19:5:9 जबकि Y53 S4G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.59 इंचेस जबकि Y53 S4G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ROG Phone 3 में 1080x2340 और Y53 S4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ROG Phone 3 में 79.75% जबकि Y53 S4G में 84.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ROG Phone 3 में 391 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y53 S4G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ROG Phone 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y53 S4G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ROG Phone 3 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y53 S4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ROG Phone 3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y53 S4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो ROG Phone 3 में Adreno 650 जबकि Y53 S4G में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus और Y53 S4G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो ROG Phone 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Y53 S4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो ROG Phone 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y53 S4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो ROG Phone 3 में नहीं है, जबकि Y53 S4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ROG Phone 3 में Android V10
क्यू, जबकि Y53s 4G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी ROG Phone 3 में 6000 mAh जबकि Y53s 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ROG Phone 3 में एक कलर्स जबकि Y53s 4G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ROG Phone 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस, 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y53s 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Asus ROG Phone 3 में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y53s 4G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ROG Phone 3 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में ROG Phone 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Asus ROG Phone 5 है जो कि 49,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 Pro Max है जो कि 124,700 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।